का मैं परिचय कराना चाहूँगा। मेरे से बगल में आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, जो हम लोगों के सर्वे सर्वा हैं। बगल में हाजी मुन्ना जी हैं, जो पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से। बगल में बैठे डॉक्टर के एन ओझा साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष प्रतापगढ़। बगल में हमारे उमा शंकर यादव जी, जिला पंचायत प्रतापगढ़ के अध्यक्ष। मेरे बगल में मुन्ना जी हैं, जो सुल्तानपुर से हमारे संयोजक समिति के सदस्य हैं। आदरणीय अक्षय प्रताप जी, गोपाल भैया जी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। मैं शैलेंद्र कुमार, पूर्व सांसद कौशाम्बी। अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करें। मीडिया के सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत है। आज बड़े हर्ष के साथ और उत्साह के साथ ये कह रहे हैं कि राजनीति में 25 वर्ष विधानसभा में पूर्ण होने का ये समय है, और विधानसभा में छठवां टर्म है निर्दलीय लगातार, और 1993 में 30 नवंबर के दिन परिणाम की घोषणा हुई थी, तो आने वाले 30 नवंबर को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इसको लेकर के कार्यकर्ताओं से, सहयोगियों से, समर्थकों से और सभी शुभचिंतकों से एक राय ली गई कि 25 वर्ष की ये यात्रा पूर्ण हुई, अब आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। 3 विकल्प दिए गए थे कि या जैसे हैं निर्दलीय ऐसे ही रहें, या कोई पार्टी में सम्मिलित हो जाएं, या स्वयं की पार्टी बनाएं। तो उसमें 80% से अधिक लोगों के ये मत आए हैं कि स्वयं की पार्टी बनाएं, और इसके साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जन सामान्य को प्रभावित करते हैं। हम और आप, हम सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। खेद की बात है कि सारे राजनीतिक दल इन महत्वपूर्ण विषयों में एक ही भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए और समाज में एक परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए ये आवश्यक हो गया था कि दल का गठन किया जाए। गठन के लिए चुनाव आयोग में सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, लेकिन उनको समय 2 से 2.5 महीने का लगेगा चुनाव आयोग को। तो ये कहा जा सकता है कि अभी पार्टी बन के तैयार तो नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रियाधीन है। नाम के लिए जो विकल्प दिया गया है वो जनसत्ता दल, जनसत्ता पार्टी और जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी, ये 3 विकल्प दिए गए हैं जो कि और किसी ने नहीं दिए हैं, और ये फ्री हैं। तो आशा है, संभावना है कि इन्हीं 3 में से कोई एक नाम उस नए दल का होगा। झंडा ये पीछे लगा हुआ है, ये सभी लोगों ने निर्णय किया है कि अपने झंडे का रंग ये होगा, ऊपर पीला नीचे हरा। अब हम लोग आ जाते हैं मूल मुद्दे पे। कुछ ऐसी ज्वलंत समस्याएं जो हम सबको प्रभावित करती हैं और जिन पे लोग बोलना तो चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणवश सदन में और सदन के बाहर राजनेता मौन हैं, और सभी पार्टियों का ये हाल। आप लोग अवगत होंगे कि राजीव गांधी जी के समय में SC ST एक्ट बना, और समय के साथ इस SC ST एक्ट में और जटिलताएं आती गईं। इस एक्ट को नॉन अवेलेबल बनाया गया, फिर इसमें संशोधन किया गया कि साहब इसमें इंस्पेक्टर जांच नहीं करेगा, इसमें डिप्टी SP जांच करेगा। हमारे यहां कानून का एक मूल सिद्धांत है कि 100 गुनाहगार भले छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और इसी सिद्धांत पे हमारी न्यायपालिकाएं चलती हैं। आज
दुर्भाग्यवश ये हमारे पूरे देश की स्थिति है कि SC ST एक्ट को लेकर के लोगों में चर्चा है, जनता परेशान है, लेकिन जहां चर्चा होनी चाहिए वहां पे ये चर्चाएं नहीं हो रही हैं, ना तो विधानसभा में ना तो पार्लियामेंट में। दलित समाज हमारा अभिन्न अंग है, हम सभी लोग एक ही समाज के लोग हैं, और दलित समाज का उत्थान उनको आइसोलेट करके, उनको कट करके, उनको हमसे दूरी बना करके उस समाज का उत्थान नहीं किया जा सकता। संविधान हम सबको बराबरी का हक देता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब एक हालिया एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी कि साहब सरकार SC ST एक्ट समाप्त कर रही है, और पूरे देश में एक असंतोष हुआ, प्रदर्शन हुआ। सरकार की तरफ से किसी ने यह नहीं कहा कि यह अफवाह है, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आंदोलन, उन्होंने भारत बंद का कॉल किया और दुकानों में तोड़फोड़ हुई, घरों में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां तोड़ी गई, बसें जलाई गई, आंदोलन हिंसक हुए, लोग मरे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि ऐसा कुछ नहीं, SC ST एक्ट जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि पहले विवेचना हो जाए, दोषी पाने पे जेल भेजा जाए, इसके खिलाफ सरकार ने एक अमेंडमेंट पार्लियामेंट में किया जिससे हम सब लोग अवगत हैं। और सरकार के इस अमेंडमेंट में जितने भी राजनीतिक दल उस समय लोकसभा में थे सबने इसको एक मत से पारित किया। मोटा मोटा कहा जाए तो प्रक्रिया ये होती है कि पहले विवेचना तब गिरफ्तारी, लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, पहले गिरफ्तारी विवेचना होती रहेगी। ये न्याय संगत नहीं, न्याय उचित नहीं। दलित समाज को मुख्य धारा से काट करके, उनको अलग करके उस समाज का विकास नहीं किया जा सकता। हमारा देश जब आजाद हुआ, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ऐसी आवश्यकता समझी होती तो समय संविधान में वो इसका प्रावधान करते, लेकिन ये सब बाद में, और ये इतना चुपचाप होता है कि हम लोगों को या आम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इस एक्ट को और जटिल कर दिया गया है। समानता का अधिकार हमको संविधान देता है, और देश की आजादी की लड़ाई में जो लोग कूदे, जो लोग लड़े, या जिन्होंने चाहा कि हमारा देश आजाद हो, उनकी सबसे पहली आशा और सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि आने वाले स्वतंत्र भारत में हम सब लोगों को समान अधिकार रहेगा, हम सब लोग एक बराबर रहेंगे। एक और उदाहरण हम देना चाहते हैं, आप में से बहुत से लोग अवगत होंगे, बहुत से लोग नहीं अवगत होंगे। बलात्कार एक बहुत घृणित अपराध है, और समय समय पे आप लोगों के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत होती रहती है, और आप लोगों के माध्यम से न्यायालय और पुलिस प्रशासन इसमें कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होता है। लेकिन एक दलित की बेटी का यदि बलात्कार हो, यदि छेड़खानी हो, तो उसको एक रकम दी जाए। नॉन दलित की बेटी के साथ अगर वही घटना हो तो उसके साथ वो सहायता राशि, वो अनुकंपा राशि न मिले, ये गलत है, इसके खिलाफ हमारी आवाज है। हत्या है, बहुत जघन्य कृत्य है, और किसी के घर परिवार में किसी की हत्या हो जाए, लेकिन नॉन दलित में अगर हत्या हो जाती है कोई राशि नहीं मिलती है। दलित की यदि हत्या होती है तो 8,40,000 रुपए उसको सरकार की तरफ से मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि उनका कम कर दीजिए, यहाँ पे ये स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, लेकिन किसी भी लड़की के साथ यदि बलात्कार हो, छेड़खानी हो, अभी हाल में ही एक समाचार आया था कि साहब अगर दलित लड़की का बुरी नीयत से पीछा किया जाएगा तो उसको 1,00,000 रुपए मिलेगा। अच्छी बात है, तो क्या पीछा करने वाला ये पूछेगा, जात बिरादरी पूछ के पीछा करेगा क्या? ये सहायता राशि या सरकार के द्वारा ये दी जाने वाली राशि, ये सभी बिरादरी की बेटियों के लिए और जिसकी भी हत्या हो उसके परिवारजनों के लिए हम बराबरी की मांग कर रहे हैं। हमारा ये कतई नहीं कहना कि उनके उनको जो सहायता राशि दी जा रही उसमें कटौती कर दें, उसमें कमी कर दें, लेकिन वो चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर बिरादरी को ये सुविधाएं, ये राशि मिलनी चाहिए, और इसमें
जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जघन्य अपराध है, जघन्य अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन जाति आधार पर अनुकंपा राशि बिरादरी को देख करके बांटी जाए, इसके हम खिलाफ। इस नए दल के गठन में आप सबकी शुभकामना और आने वाले दिनों में भी आपकी शुभकामना की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय, प्रमोशन में रिजर्वेशन। आज कई बच्चों को, बच्चियों को, छात्रों को हतोत्साहित कर रहा है। इतना कठिन कंपटीशन देकर के जो लोग नौकरी हासिल करते हैं और उसमें भी जाति आधार पर प्रोन्नत हो, इस पे हम लोगों का ये मत है, अपनी पार्टी का ये मत है कि प्रमोशन का आधार योग्यता, कार्यशैली, वरिष्ठता होना चाहिए, न कि जाति बिरादरी। अब अन्य दलों से जब आपके उनके नेताओं से मुलाकात हो, उनसे पूछिएगा उनकी क्या स्थिति है, वो स्पष्ट करें। हमने अपनी स्थिति, अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा कि दलित समाज और नॉन दलित समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ रहते हैं। उनमें भेदभाव करके, जैसे पिता अपने संपत्ति का बंटवारा अगर बराबरी से नहीं करेगा तो बेटे जिंदगी भर मुकदमा लड़ेंगे। अगर परिवार में कलह बचानी है तो बराबरी का बंटवारा, बराबरी का हक और बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, SC ST एक्ट है अपनी जगह पर, लेकिन आए दिन आप उसको इतना जटिल बनाते जा रहे हैं, इतना जटिल बनाते जा रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं वो पूछते हैं, अच्छा आपके ऊपर लगा हो तो बताइए। नहीं, ठीक है, हमारे ऊपर नहीं लगा, लेकिन हमारे ऊपर तलवार लटक रही है। आज हर आदमी इससे चिंतित है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो। कोई आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के ऊपर SC ST एक्ट लग ही जाए, लेकिन वो चिंतित है। और हमने फिर कहा कि हम उनका कम कर दें ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बेटी के साथ बलात्कार होता है, जो सहायता राशि, वो सब हर व्यक्ति, जो भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये समानता का अधिकार है। जी सर। राजा भाई, आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी निर्णय हैं, आप कहाँ पे खुद को स्टैंड करते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि नई पार्टी एक और बनी है, शिवपाल सिंह यादव भी बना रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, तो आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको लगता है कि आप ऐसे नेशनल पार्टीज भी है, रीजनल पार्टी भी है, उसमें एक नई पार्टी कोई स्टैंड अप कर पाएगी? जी, आप सही कह रहे हैं, बहुत सी पार्टियां बन गई हैं, बहुत सी बनेंगी, आगे भी बनेंगी। हम आशान्वित हैं, इसलिए कि जो मुद्दे हैं हम लोगों के, वो जन सामान्य को छूते हुए मुद्दे हैं, सबको प्रभावित करते हैं, सबके दैनिक जीवन पे असर डालने वाले मुद्दे हैं। और पूरे प्रदेश से जो उत्साह और जो समर्थन मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राजा साहब, अभी आपने बताया कि 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा चुनाव आयोग में फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में, बाकी चीजें करने में, तब तक लोकसभा चुनाव आ जाएगा, तो लोकसभा चुनाव में स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी पार्टी की? चुनाव लड़ने का मन है या कुछ तय किया गया है? जैसा कि हमने कहा, अभी पार्टी गठन नहीं हुआ है, जो भी होगा पार्टी की औपचारिकताएं जब चुनाव आयोग से पूरी हो जाएंगी, फिर एक कार्यकारिणी बनेगी, मैनिफेस्टो तैयार होगा, फिर उसके बाद ही, क्योंकि जो भी हो वो आम सहमत इससे हो। तो अभी मोटी मोटी बातें हमने आपके सामने रखी कि ये मूल मुद्दे हैं इस दल के, उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। पार्टी बन जाने दीजिए और उस पर बैठ करके हम लोग उसका आगे का मैनिफेस्टो भी बनाएंगे, कार्य समिति बनेगी, कार्य समिति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के बाद कोई निर्णय लेगी। क्या आप किसी के साथ जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे दल जो है, जैसे आपको राजभर जी का एग्जांपल ले लीजिए, बाकी लोगों का ले लीजिए, तो आपने कुछ मन बनाया किसी के साथ जाने का या अकेले फाइट करने का? ये सवाल आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए सर, ये उनसे जाके पूछिए, जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पे हमारे साथ कौन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं और स्पष्ट कर दूं कि
जो व्यक्ति IAS IPS या बड़ा अधिकारी हो चुके हैं उनकी संतान को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? उनकी संतान विदेशों में पढ़ रही है, वो धन संपन्न है, उनकी विपन्नता दूर हो चुकी है और उनके बजाय उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं की दलित बिरादरी के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण का अगर लाभ मिले तो सबका उत्थान होगा। इसका एक और उदाहरण है, जैसे हमने आपने सब लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी, वो सब्सिडी क्यों छोड़ी? इसलिए कि हम उस श्रेणी के ऊपर है, उसका लाभ किसी और व्यक्ति को मिले। या खाद्य रसद के मंत्री रहे हैं हम, उसमें एक अंत्योदय कार्ड होता है, तो अंत्योदय कार्ड का पुनरावलोकन हर 5 वर्ष पे होता है कि उस श्रेणी से जब कोई ऊपर उठ जाता है तो अंत्योदय कार्ड वो शिफ्ट होकर के कहीं और चला जाता है, किसी और दूसरे पात्र को मिल जाता है। तो आपने आरक्षण का एक बार लाभ ले लिया, अब आप ही की बिरादरी के किसी गरीब व्यक्ति को वो मिलना चाहिए ताकि सबका भला हो, सबका उत्थान। राजा भैया, एक सवाल था, देखिए जब पार्टी बना लिया तो निर्दलीय कहाँ रह गए, सब तो दल में आ गए, इंडिपेंडेंट कहाँ रह गए? बिल्कुल, अभी अनामिका जी ने प्रश्न किया, आपने किया, हम फिर जवाब दे दे रहे हैं। अब ये सवाल वो लोग बताएं, इसका उत्तर वो लोग बताएं, क्या ये मुद्दे उनको स्वीकार रहे हैं? ये विभिन्न दलों से जाकर के पूछे हैं। राजा भैया, अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे ठीक पहले एक ऐसा ही मोर्चा बना जो SC ST के जो सुविधाएं दी जा रही उनके खिलाफ था, या जो SC ST एक्ट के खिलाफ था, और वो इस विधानसभा चुनाव में उतरा। और ऐसी खबरें हैं कि शायद वो BJP के सपोर्ट से ही बना है, और जो लोग SC ST की वजह से BJP से नाराज हैं वो उस मोर्चे में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कहीं आप भी अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मोर्चा तो नहीं बना रहे हैं और BJP के सपोर्ट से? देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा मोर्चा बना है और किसके साथ है इसकी हमको कोई जानकारी है नहीं। हमारा लक्ष्य है कि ये जो मूलभूत बातें हैं ये सभी राजनीतिक दल इनको सोचें, समझें और एक सशक्त भारत जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं, जातिवाद की कोई वैमनस्यता नहीं, न कोई ऊपर है न कोई नीचे है, ऐसे समाज के निर्माण में सभी राजनीतिक दल आगे आएं। बाकी अपने दलों के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, हमने पहले भी कहा, हम फिर कह रहे हैं कि इन मुद्दों से कोई समझौता नहीं होगा। आप गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, जो पार्टी इन मुद्दों को लेकर के चली है उनसे पूछिए। हमारा स्टैंड है, उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पर टिप्पणी करने के लिए प्रेसवार्ता नहीं है प्रणसु जी, हमने ये कहा कि इन मुद्दों को लेकर के हम आपसे मुखातिब हुए हैं और जो दल बन रहा है उसमें इन मुद्दों की प्राथमिकता है। अब विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे, देखिए हम बराबरी का, अब वो बताएं कि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त करेंगे या नहीं करेंगे, या जो अनुकंपा राशि कहिए या राहत राशि कहिए किसी दुर्घटना के बाद जो पीड़िता या पीड़ित को मिलती है, क्या उसमें वो बराबरी करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें तो सभी दलों को स्पष्ट होकर के और आगे आकर के बोलना चाहिए। राज जी, नहीं, हम अपने मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता निर्णय करेगी। रिजर्वेशन के अलावा भी कोई और मुद्दे हैं, देश में काफी सारी दिक्कतें हैं, और भी क्या मुद्दे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक आधार में जटिलता तो बहुत है, लेकिन ये पार्टी एक बार बन जाए, कार्यकारिणी के साथ बैठ करके इस पर निर्णय जरूर करेंगे। शरद जी, रघुराज जी, सर आप शायद देख नहीं पा रहे हो, अवनीश बोला था इंडियन एक्सप्रेस से। जी जी, अभी आपने कुछ मुद्दों की बात करी है और दो मतलब सवाल बार बार आपसे वो चीज पूछा गया है,
बस मैं इतना समझना चाह रहा था कि जिन मुद्दों की आपने बात करी है क्या वही चीजें इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जनरली ऐसा देखा जाता है कि पार्टियां आती हैं बस एक या दो मुद्दे जो थोड़ा सा गर्म रहते हैं और फिर उसके बाद, तो और भी कुछ चीजें हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं। अपने जॉब की और यूथ की ही हम भी बात कर रहे हैं, योग्यता को इग्नोर न किया जाए, उसकी उपेक्षा न की जाए, यही तो मुद्दा है। और ये जो मुद्दे हम लेकर के चल रहे हैं जनता के बीच में और यहाँ तक कि विधायकों और सांसदों के बीच में भी यही चर्चा होती है, लोग मानते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन हाउस में कोई नहीं बोलता है या प्रेस के सामने कोई नहीं बोलता है। राजा भैया, आपके बारे में कहा जाता है कि रामायण कंठस्थ है, अपने बच्चों का नाम भी आपने रखा है, और आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे राम मंदिर पे? साहब, ये जिसने भी कहा बहुत बड़ी भ्रांति है, हमको रामायण नहीं, हमको सुंदरकांड भी कंठस्थ नहीं है और इतनी प्रशंसा के पात्र नहीं है और बच्चों का नाम तो चले आइए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब